नमस्कार, स्वागत करते हैं आज की बड़ी और मुख्य समाचार के इस वीडियो में। दिन भर की छोटी और बड़ी सभी खबरों को लेकर आपके बीच एक बार फिर से हाजिर हो चले हैं। सभी खबरों को विस्तार से देखेंगे, उससे पहले आज की एक नजर हेडलाइंस पर डाल लेते हैं। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में तमाम लोग पहुंचे। मुख्यमंत्री से जनता दरबार को लगाने के लिए कल RJD के विधायक ने उठाया सवाल, कहा कि सुशासन काल में सब कुछ ठीक चल रहा है तो जनता दरबार की आवश्यकता मुख्यमंत्री को क्यों पड़ रही है, क्यों सोमवार को जनता दरबार लगाया जा रहा, पूरी खबर 5 मिनट के अंदर देखेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे RJD के बड़े नेता तेजस्वी यादव की ओर से बड़ा ऐलान, एक बार फिर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जातीय जनगणना समेत किसानों को लेकर उठने वाले मुद्दे पर एक बार चिट्ठी लिखी जा सकती है। RJD तमाम प्रकार से जातीय जनगणना में अपनी रुचि दिखा सकती है। वहीं आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर के अंदर LPG सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के बीच में एक बार फिर से इस महीने में तीसरी बार LPG सिलेंडर की कीमत बढ़ गई। LPG सिलेंडर की कीमत बढ़ने से उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत कई राज्यों में असेंबली चुनाव के अंदर सरकार को बड़े खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। वहीं आज की बड़ी खबर की बात करें तो बिहार, उत्तर प्रदेश समेत तमाम कुछ इलाकों में बाढ़ के बड़े प्रकोप देखने को मिल रहे हैं। नेपाल से छूटने वाले पानियों ने एक बार फिर से बाढ़ और उत्तर प्रदेश के तमाम कुछ इलाकों पर अपना कब्जा कर लिया है। त्रयमान की स्थिति है सरकारों पर बड़ी, इस आपदे को लेकर संकट आ पड़ी है। देखिए क्या कुछ बड़ी खबर है। किसान आंदोलनकारियों ने सभी जिलों में पहुंचकर उत्तर प्रदेश का चुनावी माहौल और रणनीतियों को बदलने का कार्य करेंगे। किसानों ने साफ तौर पर कहा है कि चाहे जो हो जाए इस महापंचायत में तय हुआ बातों को लेकर आगे बढ़ते जाएंगे और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में इस तरीके की महापंचायत को उनके द्वारा किया जाएगा। वहीं तेज प्रताप यादव द्वारा आज नया संगठन बना लिया गया। तेज प्रताप यादव ने नए संगठन को देखते हुए अब बिहार के तमाम जिलों से, बिहार के तमाम जगहों से इस संगठन के अंदर छात्रों को जोड़ने का कार्य किया। साथ ही साथ नवयुवक और युवाओं को जोड़कर इस बार इस संगठन को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। साथ ही साथ इस खबर में बताएंगे JDU MLA पर बड़ी कार्रवाई की बात की गई। BJP के नेता ने कहा कि अब JDU MLA पर कार्रवाई की जानी चाहिए। इसको लेकर क्या कुछ सम्राट चौधरी ने कहा, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। किस तरीके से तेजस एक्सप्रेस के अंदर पूरी तरीके से अर्धनग्न स्थिति में पाए गए थे विधायक। साथ ही साथ आपको बता दें कि अब बिहार के दूसरे पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू। आज आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन विभाग ने निर्णायक और बड़ा फैसला ले लिया। फैसले ले जाने के बाद में नामांकन की प्रक्रियाओं को शुरुआत कर दिया गया। दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रियाओं को शुरुआत करने आपको बता दें शुरू कर दिया गया, जिसको लेकर बड़ी खबर आ रही है जो विस्तार से 5 मिनट के अंदर देखेंगे। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बात करें, बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें, भाजपा की बात करें, यह तमाम रणनीति और तमाम आपको बता दें अटकलें हैं। क्या कहती है सी वोटर्स की अनुमान, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसे मिलेगी मुख्यमंत्री की कुर्सी, आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण पूरी जानकारी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में वायरल फीवर के कारण लगातार बच्चों की जान जा रही है, जिला प्रभारी और साथ ही साथ सरकार के तमाम मंत्रियों पर उठ रहे हैं सवाल। सरकार के तमाम अधिकारी और मंत्री काफी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। आपके भी बैंक खातों से गायब हो सकता है पैसे, करोड़पति बनने के झांसे देकर आपको बता दें कि एक बार फिर से बिहार के तमाम कुछ जिलों से, जैसे कि मुजफ्फरपुर, छपरा समेत गोपालगंज से आने वाली खबरों ने हिला दिया है। कुछ जिलों से आने वाली खबरों ने आपको बता दें कि गलत तरीके से लूट की खबरें निकल कर आई। क्या कुछ बड़ी खबर है विस्तार से देखेंगे। साथ ही साथ आज की बड़ी खबर के अंदर बता दें कि अक्षरा सिंह बिग बॉक्स से बाहर हो गई है। कम वोट मिलने के कारण अक्षरा सिंह बिग बॉक्स से बाहर, और साथ ही साथ आपको बता दें बिग बॉक्स से बाहर होने के बाद में अक्षरा सिंह के तमाम समर्थकों और फैनों ने साफ तौर पर सोशल मीडिया पर बिग बॉस का एक्सपोज करना शुरू कर दिया है। देखिए क्या कुछ बड़ी खबर है, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से बताएंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, और ऐसी ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की ओर। आपको बता दें कि अब तेज प्रताप यादव अपनी तमाम रणनीतियों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तेज प्रताप यादव द्वारा इस बार नए पार्टी का संगठन तैयार कर लिया गया। हालांकि पार्टी और संगठन को तैयार किए जाने के बाद में यह बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या RJD में फूट हो गई है। हालांकि आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव और संगठन बनाने से पहले तेजस्वी यादव के पास पहुंचे थे, जहां उन्होंने तमाम बातों को रखा और तमाम बातों को रखने से पहले तेजस्वी यादव ने मुलाकात करने से मना कर दिया, जिसको लेकर कई प्रकार की वार्तालाप हुई। अब बताया गया कि दोनों भाइयों के बीच में अब दरार हो गया है, दरार पड़ने के कारण दोनों भाइयों के बीच में अब सब कुछ ठीक नहीं है। तेज प्रताप यादव इस बात को कभी भी
उन्होंने नहीं कहा, लेकिन यह बात तेज प्रताप यादव के मुंह से कई बार सुना जा चुका है कि सब कुछ ठीक नहीं है और मुख्यमंत्री के तौर पे तेजस्वी यादव सुटेबल नहीं है। हालांकि आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने इस बातों को पहले भी कहा है और आपको बता दें कि जब नई पार्टी और नए संगठन को उनके द्वारा तैयार कर लिया गया तो इसमें बिहार के युवाओं को, बिहार के नेताओं को, बिहार के छात्रों को, बिहार के तमाम कुछ लोगों को शामिल किया गया। यह संगठन सिर्फ और सिर्फ बिहार के लिए ही नहीं, बिहार से बाहर आपको बता दें झारखंड, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश और साथ ही साथ कुछ तमाम राज्यों में भी संगठन का कार्य किया जाएगा। संगठन को आगे बढ़ाने के लिए तेज प्रताप यादव हर एक संभव प्रयास करते हुए नजर आ सकते हैं। तेज प्रताप यादव ने साफ तौर पर इस संगठन को छात्रों के मोटिव से बनाया है। इसमें ज्यादातर बताया जा रहा है कि छात्र लोगों को जोड़ा जाएगा, क्योंकि छात्र एक ऐसी चीज है, एक ऐसी भूमिका है जिससे राजनीतिक करने का तौर तरीका ही बदल सकता है। छात्रों के बीच तेज प्रताप यादव भी पहुंच रहे हैं और छात्रों के बीच पहुंचने वाले तेज प्रताप यादव अपनी पूरी जी हां आपको बता दें कि समय जो है वो छात्रों के बीच बिताते हुए नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने पहले ही भी कहा है कि वो तमाम प्रकार से छात्रों के साथ हमेशा खड़े थे और खड़े रहेंगे। इसके लिए सरकारों को चाहे जो भी कुछ करना पड़े उससे उनको कुछ असर नहीं पड़ता। अगली बड़ी और मुख्य समाचार की ओर बढ़ते हैं। आपको बता दें कि जेडीयू विधायक जिस तरीके से आपको बता दें कि पटना से चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस तेजस एक्सप्रेस के अंदर जी अर्धनग्न स्थिति में पाए गए, इस पर काफी जमकर विरोध हो रहा है। जमकर चलने वाली बातों ने एक बार फिर से बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। हालांकि आपको बता दें कि जेडीयू एमएलए के ऊपर मुकदमे भी दर्ज हो गए हैं और जेडीयू एमएलए को लेकर आने वाली बड़ी खबर के मुताबिक आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने कहा है कि साफ तौर पर कि गोपाल मंडल पर कार्रवाई की जानी चाहिए, जेडीयू को गोपाल मंडल को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। इससे बिहार के क्षति हुई है, इससे बिहार के तमाम जगहों पर आपको बता दें कि मजाक उड़े हैं। जिस तरीके से उन्होंने बताया था कि उन्हें पखाना का काफी जल्दी हो गया था और साथ ही साथ उनका पेट खराब होने के कारण वो अर्धनग्न स्थिति में पाए गए, इस पर कई प्रकार की टिप्पणियां भी अब नए नए ट्वीट किए जा रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं। इस पर बिहार की सरकार और बिहार के तमाम मिनिस्टर और ऐसे आला अधिकारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि आपका इसके ऊपर क्या कुछ सोचना है आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि आप गोपाल मंडल के बारे में कार्रवाई चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगली बड़ी और मुख्य समाचार पर बैठते हैं। बात करें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार अब पूरी तरीके से बिहार में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार से आज मीडिया के लोगों ने सवाल पूछा, मीडिया के लोगों ने सवाल किया किसान से जुड़ा हुआ और साथ ही साथ तमाम चीजों से जुड़ा हुआ। आज मुख्यमंत्री ने इस पर क्या कुछ जवाब दिया इसको जानने से पहले आपको बता देते हैं कि आज सोमवार का समय था। सोमवार के समय में जिस तरीके से आपको बता रहे कि तमाम प्रकार से वो आपको बता रहे कि जनता दरबार लगाते हैं, जनता दरबार में उन्हें तमाम लोगों से मिलने का मौका मिलता है, समस्याएं सुनते हैं, समाधान की स्थिति पर करते हैं और साथ ही साथ किसी विशेष समस्या पर पुलिस टीमों का गठन कर जांच की भी प्रक्रियाओं का शुरुआत किया जाता है। तो इसी जांच के दौरान आपको बता दें कि एक इंजीनियर को गिरफ्तार भी किया गया था जिनके गाड़ी से 66 लाख रुपए बरामद हुए थे। बताया गया कि उनका द्वारा कहे गए बातों के मुताबिक पटना सचिवालय हिल सकता था, इस पर भी सवाल हो रहे हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर कहा है कि जातीय जनगणना के लिए वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मिल चुके हैं, वो जो भी करेंगे वो अच्छा कदम होगा। हालांकि जातीय जनगणना तमाम राज्यों की समस्या है और इस समस्या का समाधान करना चाहिए केंद्र सरकार को, इसकी मांग उन्होंने की। अगली बड़ी और मुख्य समाचार जो बैठते हैं, तेजस्वी यादव एक बार फिर से श्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख सकते हैं। चिट्ठी में जातीय जनगणना की मांग और किसानों के आंदोलन के ऊपर सवाल किए जा सकते हैं। हालांकि आपको बता देते हैं कि जातीय जनगणना की मांग तेजस्वी यादव की ओर से जमकर उठाई जा रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जातीय जनगणना बिहार के लिए ही नहीं तमाम प्रदेशों के लिए की जा रही है ताकि तमाम प्रदेश में जातीय जनगणना कराई जा सके। अगर जातीय जनगणना तमाम प्रदेश में होता है तो इससे काफी ज्यादा असर पड़ेगा, तमाम एक वर्ग के लोग जो काफी नीचे जा चुके हैं उन वर्गों के लोगों को टारगेट किया जा सकेगा, उन वर्गों के लोगों को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए आरक्षण समय तमाम चीजों में ज्यादा से ज्यादा छूट दी जा सकेगी। तो अब जातीय जनगणना की मांग कही जा रही है, जातीय जनगणना जो है काफी जरूरी है। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि 1931 में जातीय जनगणना कराई गई थी और उसका सार्वजनिक रूप से आपको बता दें कि विश्लेषण किया गया, लेकिन आपको बता दें 1941 में जातीय जनगणना कराई गई लेकिन उसका कोई भी था पता नहीं चला, उसे पब्लिक नहीं किया गया। जातीय जनगणना को पब्लिक ना किए जाने के कई मुद्दे हो सकते हैं। हालांकि जातीय जनगणना जब हुआ था तो क्षेत्रीय पार्टियों को काफी ज्यादा फायदा हुआ था। जातीय जनगणना जब कराया गया था
समय जातीय जनगणना के तौर पर केंद्रीय पार्टियों को नुकसान और साथ ही साथ क्षेत्रीय पार्टियों को भारी मात्रा में फायदा हुआ था। अगली बड़ी और मुख्य समाचार के बढ़ते हैं। अक्षरा सिंह द्वारा अब आपको बता दें कि बिग बॉस से वो निकल चुकी है। बिग बॉस में कम वोट मिलने के कारण आपको बता दें पंजाबी सिंगर और साथ ही साथ अक्षरा सिंह निकल चुकी है। अक्षरा सिंह के निकलने के साथ ही अक्षरा सिंह की आंखों में आंसू देखे गए थे और साथ ही साथ अक्षरा सिंह काफी मायूस दिखाई दे रही थी। मुख्य कारण ये था कि अक्षरा सिंह के निकलने का एक मुख्य कारण था कि अब उन्हें कम वोट मिल रहे थे। वोट कम मिलने के कारण उनकी आपको बता दें कि तमाम प्रकार से लोकप्रिय तक कम हुई और कहीं ना कहीं वो निकल गई। इतना ही नहीं, उनके फैंस के द्वारा अब बिग बॉस को एक्सपोज किया जा रहा है, बिग बॉस पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अगली बड़ी और मुख्य समाचार की ओर बढ़ते हैं। आपको बता दें कि दूसरे चरण के मतदान के लिए एक बार फिर से नामांकन प्रक्रियाओं का शुरुआत कर दिया गया। पंचायती मंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में और साथ ही साथ तमाम लोगों के निर्देशानुसार सोमवार से इस प्रक्रियाओं को शुरुआत कर दिया गया है। दूसरे चरण के लिए चलने वाले प्रक्रियाओं के अंदर अगर आप भी नामांकन कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। आपको बता दें कि इसकी प्रक्रियाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन की गई है। प्रचार प्रसार और साथ ही साथ नामांकन कराने की प्रक्रियाओं में भी बड़ा विश्लेषण किया गया है। नामांकन प्रक्रियाओं में भी आपको बता दें कि बड़े विश्लेषण के साथ आपको एक व्यक्ति को लेकर आप जा सकते हैं। नामांकन प्रक्रिया करने के लिए काफी कुछ छूट भी दी गई है। आपको इतना ही नहीं, नामांकन प्रक्रियाओं के साथ साथ कोरोना प्रोटोकॉल और नियमों का खासतौर पर ध्यान रखा जाएगा। नियमों का उल्लंघन ना हो, क्योंकि नियमों का उल्लंघन होगा तो कोरोना के फैलने के अंदेशे एक बार फिर से हैं। कोरोना के फैलने के अंदेशों को रोकने के लिए और कोरोना को रोकने के लिए सरकार के द्वारा हर एक संभव यह प्रयास किया जा रहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल और नियमों का सही से पालन हो सके। पंचायत चुनाव में कोरोना के नियमों का उल्लंघन करना यानी कोरोना को निमंत्रण देना, इस तरीके की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर चलाई जा रही है, खबर आ रही है। सरकारों ने भी इसको लेकर अपनी तमाम प्रकार से समझौता कर लिया है। अगली बड़ी और मुख्य समाचार की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के महासंग्राम में सहायकता बहनसी मायावती पार्टी की बहनसी है, तो दूसरी ओर आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव बताते हैं किस बार 400 पार उनकी सीटें आएंगी क्योंकि नेताजी का समर्थन इस बार उनके साथ है। साथ ही साथ उन्होंने साफ तौर पर कई बार यह बात का जिक्र भी किया था कि पिछले बार बीजेपी के बाजी मारने का एक मुख्य कारण था जो परिवार में कलेश था, परिवार में सब कुछ ठीक है, तो अब पार्टी का पूरी तरीके से आपको बता दें कि सीट जीतने और इस बार संपूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का भी दावा पेश किया जा रहा है। संपूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने की इस दावे और दौर में काफी ज्यादा मुलायम सिंह आगे चल रहे हैं। 400 के पार नारे को लेकर अखिलेश यादव इस बार पूरी तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश यादव की ओर से यह तैयारी की जा रही है कि 400 पार के नारे को जो दिया गया है उस 400 पार के नारे को आगे भी बढ़ाया जा सके। तो यह सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है। आज के लिए इतना ही, आप हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।